हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पानीपत के गांव सिवा में आयोजित राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता एवं महिला सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन, परिवहन एवं आवासीय मंत्री कृष्ण लाल पवार सहित जिले के सभी विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर सिवा गांव के विकास के लिए रामविलास शर्मा ने 10 करोड़ रुपए पानीपत ग्रामीण को खर्च करने के लिए कहा और सिवा स्टेडियम के लिए 3.5 करोड़ की घोषणा की। आज हरियाणा में किसी के घर में बेटी पैदा होती है, छोरा पैदा हो जब तो थाली बाज है और छोरी पैदा हो जब ठेकरा फोड़ा जाए। आज वो स्थिति नहीं है। आज पहली बेटी होगी तो 21,000 रुपया उसी दिन उस बेटी की माँ के खाते में जाएगा, दूसरी बेटी होगी तब भी जाएगा और तीसरी बेटी होगी तब भी जाएगा और चौथी बेटी होगी तब भी जाएगा। बनी हुई कि भाई बेटा होगा तो गंगा जी में कोथड़ी पाड़ेगा, कोथड़ी तो बिरानी पाड़ेगा कि नहीं पाड़ेगा। बेटी बूढ़ी हो जाए उसको कोई माँ का भाई की गांव की गाली दे दे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। पानीपत से आजाद टीवी न्यूज के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।